नमस्कार दोस्तों, मशीन लर्निंग की इस सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये तीनों ही टर्म्स एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं वो हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले फोंडर की हम बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फोंडर थे वो जॉन मैककार्थी, जिसने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है टर्म क्वाइन की थी। वहीं पे अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो 1959 में अर्थुर सैमॉल ने मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और डीप लर्निंग, जिसको शॉर्ट में हम डीएल बोलते हैं, इगोर एजेनबर्ग ने 2000 में ये कॉन्सेप्ट क्वाइन किया। अब हम अगर डेफिनेशन की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली आज हम हर जगह यूज कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। हम ये चाह रहे हैं कि ह्यूमन को अपना काम करने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ जाए, और जिससे कि उसका काम आसान हो जाए। तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट क्या डिस्कवर किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियली ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे। ठीक है, तो मशीन टू ह्यूमन बिहेवियर, एक ऐसी मशीन बनाना जो कि ह्यूमन बिहेवियर की तरह ही रिएक्ट करे, उसी की तरह ही काम करे। और अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो यही इसका एक हम एप्लीकेशन कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें क्या, मशीन अपने आप काम करना सीखती है, और काम करना जब सीखेगी तो कोई ना कोई एक हिंट के तौर पे कोई एल्गोरिथम बनाएगी, कोई प्रोसीजर बनाएगी कि उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो आउटपुट जो चाहते हैं वो निकालेगी। मीन्स मशीन ऑटोमेटिकली लर्न। हमें सिर्फ क्या पिछले जैसे लास्ट वीडियो में समझाया था कि हम उसको सिर्फ एक डेटा सेट दे देंगे, ठीक है, तो अनलेबल डेटा होगा, उससे हमने आउटपुट निकालना रहेगा। कैसे निकालना रहेगा, ये मशीन ऑटोमेटिकली लर्न करेगी। वहीं पे अगर हम डीप लर्निंग की बात करें, जिसको शॉर्ट में हम डीएल कहते हैं, इसमें क्या हो गया, एल्गोरिथम इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मीन्स नाम से ही पता चला डीप लर्निंग, बहुत सारा ऐसा डेटा होगा जो कुछ एक होता है फिल्टर होकर डेटा आना, और वो वहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कॉम्प्लिकेटेड डेटा होगा, उसमें हमें डीप लर्निंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब लर्निंग, चूंकि हम मशीन लर्निंग के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं, मतलब वो मशीन ऑलरेडी वो लर्न कर चुकी होगी कि इस टास्क को कैसे करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डीप लर्निंग ऐसी एल्गोरिथम से कहना चाहिए वो बनाएगा या इंस्पायर होगा, और कैसा स्ट्रक्चर बना देगा जिसमें कि वो जो एआई का काम भी होगा और लर्निंग का काम भी होगा, तो काइंड ऑफ मिक्सचर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत डीपली कॉम्प्लिकेटेड जो डेटा है उसके बारे में एल्गोरिथम्स को बताया जाता है। अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें, एग्जीक्यूशन टाइम की, तो हर प्रोसेस को या हर टास्क को होने में या कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगता है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की अगर बात करते हैं, तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, जो ट्रेनिंग टाइम जो रिक्वायर्ड होता है मशीन लर्निंग के लिए, एक पर्टिकुलर मॉडल को जो उसने बनाया हुआ होता है ना, काम जो आउटपुट निकालने के लिए कंपैरेबल लेस होता है। क्यों, क्योंकि जो उसने खुद से उसको क्या करना है कि डेटा को लर्न करना है, डेटा को लर्न करना है, जो जो ट्रेनिंग डेटा है वो क्या हुआ, लेस हो गया एग्जीक्यूशन, क्योंकि उसने खुद से ही चीजें बना रखी होंगी। ठीक है, वहीं पे अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो उसमें ट्रेनिंग टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा इसमें डीएल में एज कम्पेयर टू एमएल। क्यों, क्योंकि हाँ, यहाँ पे जैसे बात हुई है कि इसमें हम कॉम्प्लिकेटेड जो डेटा होता है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग। तो अगर शॉर्ट में देखा जाए तो मशीन लर्निंग में जो ट्रेनिंग है, जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम लगेगा, और इसमें डीप लर्निंग में उसको जो ट्रेनिंग का टाइम है वो एग्जीक्यूशन के लिए ज्यादा लगेगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं टेस्टिंग टाइम की। तो मशीन लर्निंग में टेस्टिंग टाइम बहुत लगेगा, क्यों? क्योंकि उसको मशीन को खुद से ही सब कुछ लर्न करना था, खुद से ही चीजें सीखनी थी उसका रिजल्ट निकालने के लिए। वहीं पे अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो टेस्टिंग टाइम लेस लगेगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज फिल्टर होके ऑटोमेटिकली एनालिसिस होके आ चुकी है, अब उसे वो डेप्थ पे उसको करना है टेस्ट, ठीक है? मीन्स मशीन लर्निंग से जो उसका सबसेट बोला जाए, डीप लर्निंग का सबसेट हुआ किसका? मशीन लर्निंग का, ठीक है? जो कि हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। जैसे डेटा डिपेंडेंसी की बात करें तो मशीन लर्निंग में क्या हो जाता है, व्हेन यू हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, जब आपके पास कम बहुत कम डेटा होगा, तो हमें जो बेस्ट ऑप्शन है हम किसी मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या करेंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, इस मॉडल को हम यूज करेंगे, ठीक है? अब डीप लर्निंग में क्या होगा, जब आपके बहुत ज्यादा अमाउंट का, क्योंकि डेप्थ में हम किसी भी चीज को तभी लर्न कर सकते हैं जब बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा होगा, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की, लर्निंग को सीखने की जरूरत पड़ेगी इसलिए। तो व्हेन यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वी यूज डीप लर्निंग। इन दिस अमाउंट ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग, तो क्यों अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ेगा? क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। जैसा कि इस ग्राफ में हम देख सकते हैं, ये ग्राफ किस एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, हमारा अमाउंट ऑफ डेटा आ गया, और वाई एक्सिस में क्या आ गया, हमारा परफॉर्मेंस है। तो मशीन लर्निंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे अमाउंट ऑफ डेटा कम डेटा होगा तो हम इसको चूज करेंगे मशीन लर्निंग, तो उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी होगी। कम डेटा होगा कम परफॉर्मेंस होगी, ज्यादा डेटा होगा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है? तो एक दूसरे कहना चाहिए प्रोपोर्शनल है ये। आप हिस्टाग्राम की अगर बात करते हैं तो एआई एक मेन बड़ी चीज हुई, उसका अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं उसके अंदर एमएल आता है, तो एमएल इज द सबसेट ऑफ एआई और डीएल कह सकते हैं। और डीप लर्निंग की बात करते हैं तो एमएल क्या हो गया, इसका सुपर सेट हो गया। तो डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, तो इन बिटवीन क्या होगा, मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट हो गया और डीएल क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, तब तक के लिए आप इसको देखिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट में आप उसको लिखिए, और एंड आई विल गिव यू द रिप्लाई ऑफ योर क्वेरी। थैंक यू।